एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें दो व्यक्तियों को एक पहाड़ के ऊपर दिखाया जाता है। इस व्यक्ति का नाम शिन जेनिया होता है। फिर ये दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति शिन जेनिया पर जोरदार अटैक करता है, जिससे उस पहाड़ में एक जोरदार धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन जेनिया उस अटैक से बच गया होता है और फिर उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ इन दोनों व्यक्तियों की लड़ाई से पहाड़ का आधा हिस्सा नीचे गिरने लग जाता है, जहाँ पर शिन जेनिया भी उस पहाड़ के साथ नीचे जा रहा होता है, पर वो अपनी पावर का यूज करके ऊपर आ जाता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस बार शिन जेनिया इस व्यक्ति को मार देता है और फिर हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो इन सभी व्यक्तियों को ये कहानी सुना रहा होता है और कहता है। उसके बाद उस व्यक्ति का पता नहीं चला और शिन जेनिया को बहुत ज्यादा चोट लग गई। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है, जो इस बूढ़े व्यक्ति से कहती है, मास्टर सेन तो बहुत ही ताकतवर और सुंदर हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक होंगे। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कि शिन को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई होगी और अब वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है, तुम कैसे मास्टर सेन का मजाक उड़ा सकते हो, उन्होंने इस दुनिया के एवर्स को मारा है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को रोक लेता है और उन्हें यहाँ लड़ाई करने से मना करता है। पर ये दोनों व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति को मारकर पीछे कर देते हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए हैं। फिर अगले ही सीन में हमें बैकहिल को दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति बहुत तेज भागकर उस जगह में पहुँच जाता है, जहाँ पर शिन और उस व्यक्ति की लड़ाई हुई होती है। वहाँ शिन उस जगह पर बैठा हुआ होता है और ये व्यक्ति एक पेड़ के पीछे छिपकर शिन को देख रहा होता है, जहाँ पर शिन को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को बाहर निकलने को कहता है। वहाँ ये व्यक्ति ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसे कैसे पता लगा कि मैं इस जगह पर छिपा हूँ। फिर शिन उस व्यक्ति से कहता है, तुम बहुत ही ताकतवर हो और तुम्हारे पास एक अच्छा कल्टीवेशन है। फिर शिन उस व्यक्ति को बाहर निकलने को कहता है। वहाँ ये व्यक्ति बाहर निकलकर कहता है, मास्टर सेन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और अब मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ। वहाँ शिन इसकी शॉर्ट को देखकर सोचता है, ये बहुत ही रेयर सॉर्ड है। फिर शिन वहाँ से जाने लगता है, पर ये व्यक्ति शिन को रोककर उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर शिन एक पत्ते से ही उसके हमले को रोक देता है और अपनी पावर का यूज करके उसे हरा देता है। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि शिन ने उसे एक पत्ते से ही हरा दिया। फिर शिन इस व्यक्ति से कहता है, तुमने गलत रास्ता चुना है, जिससे तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जहाँ पर ये व्यक्ति उदास होकर कहता है, मैं 20 साल से इस कल्टीवेशन में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में ये कुछ भी नहीं है। फिर ये व्यक्ति खुद को मारने को कहता है, जहाँ पर शिन टोड को उसके गले के पास ले जाकर रोक देता है और उसे चिंग मेंटर स्किल सीखने को कहता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी गलती के लिए शिन से माफी मांगता है। फिर वहाँ शिन उस व्यक्ति को यहाँ से जाने को कहता है और फिर ये व्यक्ति शिन से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ शिन फिर किसी चीज के बारे में सोचने लग जाता है और फिर वहाँ ये दूसरा व्यक्ति आकर शिन को ठंड से बचने के लिए उसको कपड़े पहनाता है, जहाँ पर शिन उस व्यक्ति से एक हेल्प मांगता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक व्यक्ति को नोटिस लगाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग भागकर उस नोटिस को पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ उस नोटिस में लिखा होता है, एब्डोनर सोर्ड माइनर कल खुलेगा। फिर हमें उस बूढ़े व्यक्ति की शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति चीहाओ से पूछता है, आप आज यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर चीहाओ कहती है, क्या लेक टेम्पल के व्यक्ति भी यहाँ पर वांगशंग शॉर्ट सूत्रा के लिए आए हैं। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं नहीं तो और कौन सैक्रिफाइस करेगा। जहाँ पर चीहाओ कहती है, मुझे लगता है चांद सूत्रास को यहाँ से वापिस चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक दिन रास्ते में मरे हुए पड़े होंगे। वहाँ ये सभी व्यक्ति ये सुनकर खड़े हो जाते हैं और दोनों टीम्स आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वहाँ पर हमें एक लड़की को नारियल पीते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग उस लड़की को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।